स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल कोडेड में। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ जो मूवी है वो उसका नाम है मिन्नल मुरली। ये एक मलयालम मूवी है और हम जो है मतलब आपने बहुत सारे YouTube चैनल देखे होंगे जो रिव्यू कर रहे हैं ये, लेकिन मैं एकदम आपको रूबरू कराऊंगा साउथ की मूवीज से जो आपके दिल से छू जाएंगी, जो रियलिस्टिक होती हैं, खास करके मलयालम मूवी। जैसे कि एक उसमें से एक है मिन्नल मुरली। तो अब हम बात करते हैं मिन्नल मुरली की। मतलब मैं एक टीचर भी हूँ, मैं और भी चीज़ें मतलब पढ़ाता भी हूँ, लेकिन साथ साथ मेरा ये भी शौक है कि मैं मूवीज़ अलग अलग देखता हूँ। तो मैं ऐसा चाह रहा था कि आप लोगों को भी ऐसी मूवीज़ से रूबरू कराया जाए, क्योंकि मतलब ये देख के आपको मज़ा ही आ जाएगा। ऐसी मूवीज़ हैं, मैं मतलब कम से कम अब तक 200 मूवीज़ देख चुका हूँ, एक एक करके सबको बताऊँगा जो अब तक पहुँची ही नहीं है, उनका बजट कम रहता है, वो डब नहीं हो पाती हैं। तो उसका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, कैसे देखना है और मतलब कैसे आप उस मूवी को फुल तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बस अब बात करते हैं मिन्नल मुरली की। तो ये एक सुपर हीरो मूवी है, आपने बहुत सारे सुपर हीरो देखे होंगे, आयरन मैन, स्पाइडर मैन एंड ऑल। चलिए इंडिया के बाहर के, इंडिया के अंदर की बात करते हैं। क्रिश देखा होगा, रावण देखा होगा, एक अपने फ्लाइंग जेट देखा होगा, लेकिन उतना इम्प्रेस नहीं कर पाई है कोई भी सुपर हीरो मूवी क्रिश को छोड़ के। ना तो रावण मतलब उम्मीद पे खरी उतर पाई, ना तो फ्लाइंग जेट, तो उसकी बात ही मत करिए, वो तो एकदम ही मतलब डिजास्टर हो गया था। लेकिन मिन्नल मुरली ऐसी नहीं है, मिन्नल मुरली ऐसी मूवी है जो आपको डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकती है। ये अपना ऐसा सुपर हीरो है, मतलब एकदम देसी सुपर हीरो है जो सिर्फ हवाई चप्पल पहनता है, तहमत पहनता है, गमछा बांधता है, एकदम मतलब इतनी रियलिस्टिक कि आपको मज़ा ही आ जाने वाला है ये मूवी देख करके। मतलब मुझे तो मतलब मज़ा ही आ गया, सिंपल है लेकिन आप देखेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं धीरे धीरे मूवी के और बारे में। तो अगर हम बात करते हैं स्टार कास्ट की, तो इसमें है टोविनो थॉमस जो कि लीड रोल प्ले कर रहे हैं जैसन का और मिन्नल मुरली का, ये हमारे लीड रोल हैं। तो टोविनो थॉमस एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, इनकी एक मूवी है मलयालम की फॉरेंसिक, इतनी भयानक थ्रिलर है, आपने रसासन देखी होगी, जिन्होंने देखी उनके लिए बता रहा हूँ, उससे भी थोड़ा सा बेस मूवी है वो फॉरेंसिक। और आपने नहीं देखी है रसासन तो आप रसासन भी देख सकते हैं, उसका भी मैं एक्सप्लेन करूंगा या फिर रिव्यू करूंगा, और जो है फॉरेंसिक का भी करूंगा। तो फॉरेंसिक भी बहुत अच्छी मूवी है, तो उसमें मैंने इनको पहली बार देखा था और इसमें मिन्नल मुरली में दूसरी बार देखा। इन्होंने दोनों ही बार इंप्रेस किया है टोविनो थॉमस ने। उसके बाद जो लीड रोल प्ले करनी है फेमिना जॉर्ज, ये इनकी डेब्यू मूवी है, इन्होंने इसके लिए ऑडिशन दिया था, इन्होंने मतलब बताया कि कैसे क्या। लेकिन अभी तो मिन्नल मुरली 2 भी अनाउंस हो चुकी है, ये मूवी ऑलरेडी मतलब सुपर हिट करार दी गई है और अभी इसका 2 अनाउंस सीक्वल अनाउंस हो चुका है और स्टोरी इसकी लिखी जा रही है और बहुत जल्दी ही आएगी। और बताना चाहूँगा ये मूवी जो है थिएटर में रिलीज नहीं हुई है, सीधा OTT पे आई है, नेटफ्लिक्स पे आई है, तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, इसमें जो है गुरु सोमा सुंदरम है जो शिबू का रोल प्ले करते हैं। तो मतलब मेरा रिव्यू ऐसा होगा कि स्पॉइलर फ्री होगा, मैं आपको हल्का सा भी नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा कि मूवी में क्या होता है, ये होता है, उतना ही बताऊंगा जितना ट्रेलर में होता है। तो बस ये सब नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं और इसके साथ जो सपोर्टिंग स्टार कास्ट है वो भी एकदम एक नंबर एक्टिंग कर रही है। तो इन लोग सब नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, उसके बाद कुछ ऐसा होता है, बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, इसमें सुपर पावर आती है और फिर मूवी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है। मूवी का प्लॉट जो बनाया है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो और मतलब कम बजट में ऐसी मूवीज़ बहुत कम देखने को मिलती है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और मैं आपको बोलूँगा ज़रूर आप ये मूवी देखिए। इसके डायरेक्टर हैं हमारे बसील जोसफ। अब मैं बात कर लेता हूँ रेटिंग्स की, कोड रेट की रेटिंग्स की, यानी अपना चैनल है उसमें इसको कितनी रेटिंग देना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात करता हूँ एक्टिंग के, मैं बता चुका हूँ ये सारे एक नंबर एक्टिंग कर रहे हैं। और जो इसके अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट है, जो इनके फादर का रोल कर रहे हैं, इनका फादर का रोल तो इन्होंने खुद ने ही किया है, लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है कि इनके फादर नहीं रहते और इनका जो मतलब इनको कोई और पालता है, तो वो भी एक नंबर एक्टिंग कर रहे हैं। फेमिना जॉर्ज है, ये सब जितने भी सपोर्टिंग एक्टर हैं, तो इसके लिए मैं इनको देना चाहूँगा 4 स्टार आउट ऑफ 5। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, बसील जोसेफ ने मतलब पूरी तरीके से इम्प्रेस किया है, काफ़ी अच्छा डायरेक्शन था, मूवी सुपर हिट हो चुकी है और इसका सीक्वल आ रहा है, तो और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा डायरेक्शन, तो इसके लिए 3.5। और स्टोरी एकदम यूनिक स्टोरी है, स्टोरी की बात करें तो मतलब एकदम देसी सुपर हीरो है ये, अपना देख के आपको मज़ा आ जाने वाला है। तो इस यूनिकनेस के लिए मैं इसे दूंगा 3.5 और अगर आप इसका एवरेज निकालें तो 3.6 होता है, बट 3.6 नहीं, मेरा मतलब रेटिंग रहेगी 3.5, 3.75, 4 ऐसा। तो 3.75 राउंड ऑफ करके कोड रेट की रेटिंग है। तो बेसिकली मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मूवी जाके आप ज़रूर से देखें अगर आपने नहीं देखी है, और इसका सीक्वल भी आने वाला है तो वो भी हम देखेंगे। और जाते जाते एक ज़रूर बात कि मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करिए कि टेलीग्राम वगैरह पर मत जाइए आप, मतलब से नो टू पायरेसी, आप नेटफ्लिक्स पे ही जाके देखिए। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है मैं लिंक देता हूँ, आप इस पर मैसेज करिए, मैं आपको 3 घंटे के लिए क्रेडेंशियल दूंगा, आप उस पर देखिए और बताइए मूवी कैसी लगी,
कोई सी भी मूवी होगी मैं हर में आपको दूंगा, जैसे ही मतलब एक बंदे को दूंगा अगर वो फ्री उसने मतलब देख लिया उससे पूछूंगा, जब वो देख लेगा तो दूसरे को दूंगा। तो ऐसा मैं आपको क्रेडेंशियल दे रहा हूँ, बस मेरा ये है कि आप ये मूवी जाके देखिए, क्योंकि ये आप इस मूवी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं, मिंडल मुरली अपना देसी सुपर हीरो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, रिव्यू भी करूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। एक्सप्लेन इसलिए करूंगा क्योंकि बहुत सारे हमारे, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं अपने आसपास की बात बता रहा हूँ, बहुत सारे इतने लोग हैं कि साउथ के फैन हैं लेकिन इतनी सारी मूवीज़ हैं साउथ में जो डब तक नहीं हो पा रही है, वो तमिल मतलब मैं तो सबटाइटल्स में देखता हूँ, और मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी सबटाइटल्स में देखिए हो सके तो, लेकिन नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप डब देखिए लेकिन पहले सबटाइटल्स से देखिए। तो मैं बहुत लोग नहीं समझ पाते, मैं वो मूवी मतलब आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। जैसे अभी एक तमिल मूवी है डॉक्टर, तो उसका अगला रिव्यू मैं तमिल मूवी डॉक्टर का करने वाला हूँ, और ये थी मलयालम मूवी, और वो डॉक्टर भी एक थ्रिलर मूवी है, तो पहले रिव्यू करूंगा फिर एक्सप्लेनेशन करूंगा, और रिव्यू होंगे मेरे स्पॉइलर फ्री। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।